हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आवर कॉन्शियस क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पियाजे के लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। स्टूडेंट, मैंने इससे पहले के तीनों स्टेजेस को डिस्कस कर रखा है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एज 12 टू अडल्टहुड। According to Piaget, the capacity for abstract thinking begins with the formal operational stage. Piaget के अनुसार formal operational stage में हमारे abstract thinking की शुरुआत हो जाती है। Children like a scientist searching for solution in the laboratory. इस stage में जो बच्चे हैं, जो हमारे adolescents हैं, वो एक little scientist की तरह लेबोरेटरी में किसी भी प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एडोलसेंस कैन कम अप विद न्यू मोर जनरल लॉजिकल रूल्स थ्रू इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस स्टेज में बच्चे बहुत मतलब नए नए चीज़ों के साथ, नए नए अपने लॉजिकल रूल्स के साथ आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और इसमें उनका जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। चिल्ड्रेन कैन थिंक अबाउट सेवरल ऑब्जेक्ट्स एट वंस। बच्चे इस स्टेज में एक बार में बहुत सारी चीज़ों को सोच सकता है, किसी भी प्रॉब्लम के एक सॉल्यूशन पे ध्यान ना देकर बहुत सारे सॉल्यूशन उसके माइंड में आ सकते हैं। कैन अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेस अबाउट डिसीजन। वह किसी भी समस्या का समाधान करने के बाद इसके परिणाम को सोच सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के एग्जांपल देखते हैं, आखिर किस तरह के सवाल बच्चों के मन में आता है। बच्चे तो इस स्टेज में रहते नहीं हैं, ये किशोर हो जाते हैं, तो किस तरह के सवाल इनके मन में आते हैं। कुछ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को देखते हैं। व्हाट वुड द वर्ल्ड लुक लाइक विदाउट लाइट। इसमें बच्चे ये सोचते हैं कि अगर दुनिया में रोशनी ना हो, अगर बल्ब ना हो, अगर लाइट ना हो, तो ये दुनिया बगैर रोशनी के कैसी लगेगी। अगर चांद रात के बजाय दिन में और सूरज रात में निकले तो कैसा होगा दिन और रात। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अगर मुझे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो देश में क्या क्या सुधार करेंगे। इस तरह की थॉट्स इन बच्चों के मन में आते रहते हैं। ट्रायल एंड एरर, बार बार गलतियां होंगी लेकिन हम समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। इस स्टेज के कुछ इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है, हम उसे देख लेते हैं। Abstract thinking is the ability to think about objects, principles and ideas that are not physically present. It is related to symbolic thinking, manipulate objects in our minds without seeing them. इस स्टेज में बच्चों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पूरी तरह से विकसित हो जाती है और बच्चे वैसे वस्तुओं, अवधारणाओं को भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसे वह नहीं देख पा रहे हैं। उनके दिमाग में किसी भी समस्याओं का रचनात्मक समाधान के लिए वह लॉजिक का यूज करने लग जाते हैं। एंड इसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग इट इनटू अ सीक्वेंस देन थिंकिंग थ्रू इट इन स्टेप्स। इस स्टेज में बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है। और लॉजिकल थिंकिंग का हम सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल चेस के गेम के साथ देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से बच्चे जब खेलने लगते हैं तो स्टेप बाय स्टेप वो जीतने की कोशिश करते हैं। एंड नेक्स्ट है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग इज अ स्पेसिफिक कैलकुलेशन फॉलोज अ जनरल थ्योरी। इसमें हम पहले कैलकुलेशन बनाते हैं, कैलकुलेशन फिर हम थ्योरी जनरेट करते हैं। इसका हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर हम कहते हैं ऑल स्टूडेंट्स इन दिस क्लास प्ले गिटार, इस क्लास के सारे बच्चे गिटार बजाते हैं। सैम इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। सैम जो है वो इस क्लास का स्टूडेंट है, देयरफॉर सैम प्लेज अ गिटार। सैम गिटार बजाता है। तो ये हो गया हमारा डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल। एंड नेक्स्ट मेटा कॉग्निशन।
इस स्टेज में मेटाकॉग्निशन पूरी तरह से विकसित हो जाती है। इसमें होता क्या है कि अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन्स ऑन थॉट प्रोसेस, हम क्या सोच रहे हैं, ये इस चीज़ों से खुद को अवगत कराना, हमें जानना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं, हम कितने अवेयर हैं अपने सोच के प्रति, हम अपने सोच को कितना समझ पाते हैं, ये हो गया हमारा मेटाकॉग्निशन। आइडियलिस्टिक एडोलसेंस ऑफन थिंक अबाउट व्हाट इज पॉसिबल, दे थिंक अबाउट आइडिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देम सेल्फ्स अदर्स एंड द वर्ल्ड। किशोर अक्सर सोचते हैं कि क्या संभव है, वे अपनी दूसरों की और दुनिया की आदर्श विशेषताओं के बारे में सोचते हैं, वे कल्पना करने लगते हैं कि दुनिया कैसी हो सकती है जो उन्हें आदर्शवादी बनने में प्रेरित करती है। इस स्टेज में आसानी से मैथ साइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बच्चे सक्षम हो जाते हैं। यही वजह है कि बच्चे 12 साल के बाद सेकेंडरी स्कूल में होते हैं जहां मैथ्स में रेंज रेशियो इन सब के सवाल आते हैं और बच्चे इजीली उसको कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण, थिंकिंग अबाउट वन्स थॉट एंड फीलिंग, वे इस स्टेज में अपनी भावनाओं और विचारों को आसानी से समझने लग जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देख रहे थे, हमने चारों स्टेजेस को देखा और इसमें हमने ये भी देखा कि क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, किस स्टेज में क्या अचीव होता है, बच्चा किस स्टेज में किस तरह के वर्क करता है। तो प्याजे ने कहा था, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे का डेवलप हर स्टेज में सबका सेम हो, सारे बच्चे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में पहुँचे ही, सारे बच्चों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत बहुत बच्चे हैं जो इस स्टेज तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारे बच्चे जो भी 12 साल के ऊपर के जितने बच्चे हैं सब फॉर्मल ऑपरेशन में पहुंच गए हैं। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कोई मैथ्स के सम उससे कम साल के बच्चे हैं, उससे छोटे हैं, वो कर लेते हैं, और जो 12 साल 13 साल की हैं उन्हें समझ नहीं आता है। तो वो बाई एज तो पहुंच गए उस स्टेज में, लेकिन मेंटली उस स्टेज के लायक नहीं हुए हैं। प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है, बट ये थ्योरी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस थ्योरी से हमें बच्चों को समझने में काफ़ी मदद मिली है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।